हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस एंड मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक प्रैक्टिकल टॉपिक लेके बात करेंगे, ये है एयर ब्रेक सिस्टम में अनलोडर वाल्व। एयर ब्रेक सिस्टम में एयर कंप्रेसर के बाद आता है अनलोडर वाल्व, जो एयर ब्रेक सिस्टम में आपको एयर कितना प्रेशर मेंटेन करना है वो अनलोडर वाल्व भी करते हैं, या उसको आपको कटआउट वाल्व का नाम से भी कहा जाता है। सो, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अनलोडर वाल्व में कैसे फंक्शन होता है, कैसे वो एयर ब्रेक सिस्टम में जो प्रेशर मेंटेन रखना है वो मेंटेन कैसे करते हैं, और अनलोडर वाल्व का जो सेटिंग्स है जो प्रेशर मेंटेन करने का, या एयर ब्रेक सिस्टम में कितना प्रेशर रखना है, तो वो जो सेटिंग्स है अनलोडर वाल्व में उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो से। और आप जानते हैं एयर ब्रेक सिस्टम में जो कट इन और कट आउट प्रेशर होते हैं, सो, कट इन प्रेशर ये होता है 7.1 bar, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में जब 7.1 bar प्रेशर हो जाएगा सो, उस समय एयर ब्रेक सिस्टम में फिर एयर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब एयर ब्रेक सिस्टम में 8.1 bar के ऊपर प्रेशर हो जाएगा तब एयर ब्रेक सिस्टम में एयर चार्ज बंद हो जाएगा, तो वो है कट आउट प्रेशर। सो, एयर ब्रेक सिस्टम में कट इन प्रेशर 7.1 bar एंड कट आउट प्रेशर 8.1 bar। तो चलिए गाड़ी में प्रैक्टिकल करके देख लेते जो अनलोडर वाल्व कैसे काम करते और उसको सेटिंग कैसे किए जाते हैं। तो ये है 16-13 ट्रक की एयर ब्रेक सिस्टम है। एयर ब्रेक सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा है ये एयर रिजर्वर टैंक है, यहाँ पे एयर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, जो लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे उसको एयर प्रेशर एडजस्ट करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है अनलोडर वाल्व। इस एयर ब्रेक सिस्टम में DDU या एयर ड्रायर नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, इसीलिए ओनली अनलोडर वाल्व है, इसमें DDU या एयर ड्रायर नहीं है। तो ये अनलोडर वाल्व में आप देख रहे हैं ये जो मेटल पाइप दिख रहा है ये एंट्री पाइप है, यानी ये आपको एयर कंप्रेसर से आ रहा है और थ्रू अनलोडर वाल्व जा रहा है आगे सिस्टम के लिए, जो टैंक है आगे सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की तरफ जा रहा है। तो यहीं पे आपको सेटिंग करना है, यहाँ पे सेटिंग करके आपको दिखाएंगे जो कट आउट प्रेशर कैसे सेट किया जाता है, यानी आपको सिस्टम में 8.1 bar जो प्रेशर वो मेंटेन रखने का काम है अनलोडर वाल्व का। जैसा सिस्टम में 8.1 bar प्रेशर मेंटेन हो जाता है, यानी 8.1 bar प्रेशर जब सिस्टम में दिखता है, तो क्या होता है अनलोडर वाल्व यहाँ से जो कंप्रेसर से एयर आ रहा है वो आगे सिस्टम के लिए नहीं भेजता है, डायरेक्ट यहाँ से ये नीचे वाला जो साइलेंसर दिख रहा है यहाँ से एटमोसफियर में रिलीज कर देता है एयर को। तो जैसा फिर सिस्टम में प्रेशर 7.1 bar के नीचे आ जाता है, यानी कट इन प्रेशर हो जाता है, तो फिर अनलोडर वाल्व क्या करते हैं, कंप्रेसर से जो एयर आ रहा है उसी को डायरेक्ट फिर सिस्टम के लिए भेजते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो कट आउट जो प्रेशर है 8.1 bar, यानी सिस्टम में जो प्रेशर मेंटेन रखता है 8.1 bar, वो कैसे कम किया जाता है और कैसे उसको बढ़ाया जाता है, ताकि अब बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसमें आपको 8.1 bar सभी गाड़ी में मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से सारे जो कंपोनेंट है उसका कैपेसिटी कैसे है वो बनाया गया, उसके ज़्यादा बनाने से फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट फिलहाल मैं कम करके आपको बताऊंगा कैसे सिस्टम में प्रेशर कम किया जाता है और वो कैसे होता है। तो फर्स्ट आपको दिखाएंगे इस गाड़ी में जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसमें कट आउट प्रेशर कितना है, यानी कितना प्रेशर के बाद अनलोडर वाल्व आपको एयर को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सेटिंग करके बताता हूँ। अब गाड़ी में जो एयर प्रेशर है वो फिलहाल है 6.5 bar के पास आसपास ही है, तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके प्रेशर को और बढ़ाते देखेंगे कितना प्रेशर में एक कटआउट होते हैं अनलोडर वाल्व। तो ये है, आप देख लिया जैसा एयर ब्रेक सिस्टम में प्रेशर 8.1 bar तक बन गया, बनने के बाद अनलोडर वाल्व से ऑटोमेटिक आपको एयर जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, उसके साथ साथ में कुछ पानी भी आया होगा, क्योंकि एयर ब्रेक सिस्टम में ऑलरेडी कुछ पानी जमा होता है, उसका कारण दूसरा है। तो पहले मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो बना हुआ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको सेटिंग करके बताऊँगा, क्योंकि आप देख लिए 8.1 bar के आसपास जब आया तब जाके अनलोडर वाल्व कटआउट हो गया, तो अब बताऊंगा मैं अनलोडर वाल्व में कट आउट प्रेशर कैसे कम करना है। अनलोडर वाल्व एडजस्ट करने का पहले एयर ब्रेक सिस्टम से एयर थोड़ा निकाल दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं अनलोडर वाल्व के ऊपर एक 10 नंबर के एक बोल्ट है, ये लॉक बोल्ट है। अगर हम लोग लॉक बोल्ट खोल के ये जो सेटिंग्स बोल्ट है वो सेटिंग्स बोल्ट को लूज करेंगे तो कट आउट प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सेटिंग बोल्ट को हम लोग टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद कट आउट प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जो हमको नहीं करना है।
जस्ट आपको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ जो कैसे आउट ऑफ प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट आपको जो लॉक बोल्ट है वो लॉक बोल्ट को लूज कर लेना है। ये जो लॉक बोल्ट है इसको बहुत ध्यान से लूज कर लेना है। थोड़ा लॉक बोल्ट लूज कर लिया, उसके बाद क्या करना है, इस जो बोल्ट है बोल्ट को लूज करना है। लूज करने से कट आउट प्रेशर आपको कम हो जाएगा। तो जैसे बोल्ट है मैं इसको इस तरफ 360 डिग्री मैंने लूज किया, यानी एक टर्न लूज किया। लूज करने के बाद हम फिर इसको लॉक बोल्ट जो है उसको ये लगा दिया, ये वन मतलब 360 डिग्री यानी एक राउंड मैंने इसको लूज किया। तो कट आउट प्रेशर देखता हूँ कितना कम होता है, यानी कितना प्रेशर में आपको जो कटआउट जो होता है या अनलोडर जो होता है अनलोडर वाल्व से देखते हैं कितना प्रेशर में हो रहा है। तो आपने देखा होगा ये जो अनलोडर वाल्व है, अनलोडर वाल्व में सेटिंग करने के बाद जैसा कटआउट प्रेशर मैंने सेटिंग किया था, क्योंकि ये जो बोल्ट है इसमें मैंने एक राउंड घुमाया था, एक राउंड घुमाने के बाद आपने देखा होगा जो कटआउट प्रेशर वो 6.2 बार तक चला है। मतलब सिस्टम में जो एयर ब्रेक सिस्टम में अभी फिलहाल जो प्रेशर है वो 6.2 बार के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उससे ज़्यादा जैसे हो गया तो बाहर वो एटमोसफियर में रिलीज हो जाता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये जो कटआउट प्रेशर है वो कटआउट प्रेशर कैसे सेट किया जाता है थ्रू अनलोडर वाल्व। अगर ये बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कटआउट प्रेशर ज़्यादा होते जाएगा, अगर ये बोल्ट एंटी क्लॉकवाइज यानी लूज करेंगे तो कटआउट प्रेशर धीरे धीरे सिस्टम मतलब सिस्टम प्रेशर जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो इसी तरह अनलोडर वाल्व को एडजस्ट करके आप सिस्टम जो प्रेशर है कटआउट प्रेशर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया जो अनलोडर वाल्व को सेटिंग उतर के कैसे मैं सिस्टम प्रेशर कम किया था, फिर वापस उसी जगह में मैंने सेट कर दिया गाड़ी में। ये करना बहुत ही आसान है बट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम प्रेशर अगर अचानक हाई हो गया तो आपका सिस्टम में जो पाइप वगैरह है वो फट सकते हैं या बाकी कुछ रबर पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या क्वाड्रपल सिस्टम वाल्व या डिस्ट्रीब्यूशन जो वाल्व होते हैं वो वाल्व कैसे सेटिंग किया जाता है और उसका फंक्शन कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करके बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।